दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ममता जुबे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे तुलसी माता की पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। 6 नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी गलतियां हमें तुलसी माता के पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि तुलसी माता को लेकर हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि देख लीजिए, तुलसी माता को हमें रविवार और मंगलवार को छूनी नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करनी चाहिए। जो कि आप लोगों को, अधिकतर लोगों को मालूम भी होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। और तोड़ने के लिए भी रविवार और मंगलवार के दिन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ने के लिए देखिए आपको क्या करनी है, तुलसी दल किसी भी भोजन में डाल देने से एक तो भोजन पवित्र तो हो ही जाता है और कभी भी भोजन जो है कम नहीं पड़ता है। आप अपने घर में किसी भी पूजा पाठ में अगर भोजन बना रहे हैं, या बच्चे का बर्थडे है, या शादी विवाह है, उसमें तुलसी दल जरूर डालकर भोग लगाइए। देखिएगा आपके घर कभी ना, जैसे भोजन भंडारा में जो भोजन कम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, जितना ही रहेगा उतना ही में आपका आराम से सारे लोग भोजन कर भी लेंगे और कुछ बच भी जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप अपने घर में भंडारा में जरूर जो ही भोजन बने हैं, पकवान बने हैं, उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दीजिएगा। तो मान लीजिए कि उस दिन मंगलवार है या उस दिन रविवार है, तो फिर कहाँ से डालिएगा, कैसे डालिएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि कभी भी जैसे तुलसी जी के पौधे के पास बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे रहते हैं कि नहीं, उस पत्तों को आप कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए और एक बॉटल में उस पत्ते को आप रख लीजिए। जिस दिन हमें नहीं तोड़नी है, प्रसाद में कहाँ से डालेंगे, उस दिन उस पत्ते को आप वहाँ डाल दीजिए, या अपने भोजन में अगर डालना चाहते हैं तो आप उसमें डालकर भोजन का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी पत्ता को आप एक शीशी में या बॉटल में बंद करके रख सकती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि हर घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप लाकर आगे से अपने आंगन में, अपने बालकनी में और भी कहीं अपने गार्डन वगैरह में जरूर लगा लीजिए। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है ना, वहाँ कष्ट और दुख और बीमार तो आता ही नहीं है और वो घर सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है। तो आप तुलसी जी का एक पौधा लाकर जरूर अपने घर में, फूल का पौधा लगाइए या मत लगाइए वो आपकी मर्जी है, लेकिन तुलसी जी का पौधा जरूर आपके घर में होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी रहती है ना, वहाँ आपको किसी तरह का कष्ट जैसे है महसूस ही नहीं होगा। और हर महिलाओं को तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह पूजा कैसे करनी है कि 5 पत्ते पे आपको सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। तुलसी माता के 5 पत्ते पे सिंदूर का तिलक कर दीजिए, जल दे दीजिए, 3 भावर भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनके पास उतना जगह नहीं है तो वैसे जल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर 3 भावर तो देते हैं लेकिन नहीं है आपके पास वैसा जगह, तो आप ऐसे नॉर्मल पूजा भी कर सकती हैं, अगरबत्ती दिखा सकती हैं और 5 पत्ते पर सिंदूर लगा कर उनका पूजा अर्चना कर सकती हैं, भोग भी लगा सकती हैं, फूल वगैरह आप माता को चढ़ा सकती हैं। शाम को तो दिया जलानी आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, तिल के तेल का दिया हो या आपके घर में और भी जो तेल है, सरसों तेल या कुछ, लेकिन तिल के तेल का जो दिया है ना, पूजा पाठ में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि घी
तो अच्छा है, ये बहुत शुद्ध माना जाता है घी को, लेकिन सबके बस की बात नहीं है कि शुद्ध घी में दिया वगैरह जलाए, तो इसलिए आप चाहे तो तिल के तेल का भी दिया अपने घर में रोज शाम को दिया बत्ती कर सकती हैं, और तुलसी माता को जरूर दिया दिखा कर आइए, और फिर अपने घर में चारों तरफ आप दिया दिखा दीजिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि एकादशी और द्वादशी के दिन तो तुलसी जी को मतलब बिल्कुल ही नहीं तोड़नी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उस दिन उनकी शादी का सालगिरह है, तो ऐसे लोग हम तुलसी माता का उस दिन विवाह करते हैं, उनका आंचल भरते हैं और अच्छे से चारों तरफ दिया जो है 108 दिया उस दिन जलाते हैं, और शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह वगैरह हम करते हैं, तो उस दिन आप तुलसी जी को बिल्कुल मत तोड़िए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं ना, देखिए तुलसी जी को भी तोड़ने का एक तरीका है, एक एक पत्ता तोड़ते हैं, लेकिन एक एक लोग है ना सर के ऊपर से ही ऐसे पकड़ के तोड़ लेते हैं, तो किसी का सर तोड़ना अच्छा नहीं है। साइड से, नीचे से, अगल बगल से तोड़ लीजिए, ये ना कि ऊपर से पकड़ के ऐसे तोड़ दिए, तो थोड़ा सा दया से तोड़िए, थोड़ा सा ध्यान देकर तोड़िए, किसी को ऊपर से तोड़ना, अपमान करके तोड़ना उस तरीके से अच्छा नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम कि थोड़ा संभाल कर तोड़िए। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है कि तुलसी जी का पौधा किस दिन खरीद कर लाएं। बहुत सारे लोग हैं उनको बीज नहीं मिल पाता है, तो मार्केट से खरीद कर भी लाते हैं या आस पड़ोस से मांग के लाते हैं, तो शुक्रवार तुलसी जी का पौधा अपने घर में रोपण कर सकती हैं, और आप उनको शाम को लगाइए या सुबह में लगाइएगा, दोपहर में मत लगाइएगा तुलसी जी के पौधे को। कार्तिक के महीना में तो तुलसी जी लगाना और भी शुभ माना जाता है, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनका विवाह वगैरह करते हैं एकादशी के दिन, तो इसलिए कार्तिक माह में भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, कार्तिक माह के शुभ अवसर पर तुलसी जी अपने घर में लगाना बहुत अधिक शुभ होता है। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। और तुलसी जी को ना कभी भी हमें नहा कर स्नान करने के बाद ही तोड़नी चाहिए, मतलब पूजा में भोग लगाने के लिए। शिव जी को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाते हैं, गणेश जी को भी नहीं चढ़ाते हैं, विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है तुलसी जी, तो आप तुलसी जी का भोग लगा सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं, और आप नहा कर ही तुलसी पत्ता तोड़िए, या बेलपत्र भी नहा कर ही तोड़ा जाता है, लेकिन जो फूल है, फूल जो हम पूजा में अपने चढ़ाते हैं, उसको बिना नहाए ही तोड़ना चाहिए। अगर आप चाहें तो बिना नहाए तोड़ सकते हैं, या अपने बच्चे से कहकर अपने घर के लोगों से भी तोड़वा सकते हैं, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि बिना नहाए हम ऐसे रहते हैं, अशुद्ध रहते हैं, कैसे तोड़ेंगे, क्या करें, लेकिन फूल में यही नियम है कि बिना स्नान किए फूल तोड़ा जाता है, और तुलसी पत्ता और बेलपत्र हमें स्नान करके ही तोड़नी चाहिए। तो जो नियम है शास्त्रों में लिखा गया है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। तो यही हमारे कुल 6 टिप्स थे, 6 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए।